अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रीडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग को स्किल्स ऑफ रीडिंग या स्टाइल्स ऑफ रीडिंग भी कहते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग को अंडरस्टैंड करने से पहले रीडिंग के बारे में कुछ जानते हैं सो वट इज़ रीडिंग रीडिंग इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड द एसोसिएशन बिटवीन देम रीडिंग हम वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं और उन वर्ड्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है वर्ड्स एक दूसरे से जोड़कर कैसी मीनिंग देते हैं तो वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग को हम रीडिंग कहते हैं टाइप्स ऑफ रीडिंग पर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो में हमारा फोकस वो टाइप्स ऑफ रीडिंग पर है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रीडिंग विच इंक्लूड्स इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग स्किमिंग एंड स्कैनिंग लेट्स अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन द फर्स्ट टाइप ऑफ रीडिंग इज इंटेंसिव रीडिंग एंड इट इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ रीडिंग दैट इज डन विद द परपज़ ऑफ अंडरस्टेंडिंग अ टेक्सट एंड डेप्थ एंटेंसिव का वर्ड एंटेंस से निकला है जिसका मतलब है डीप एंड थोरो क्योंकि एंटेंसिव रीडिंग में रीडर गहराई के साथ एक टेक्स्ट को रीड करता है ताकि उसको फुली अंडरस्टैंड कर सके एंटेंसिव रीडिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्डमिकपजेस के लिए करते हैं ताकि वो टेक्स्ट की मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकें और मेन आइडिया को भी रिप्रोड्यूस कर सकें क्योंकि एंटेंसिव रीडिंग में आपने हर वर्ड की मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होता है इसलिए आपको डिक्शनरी की ज़रूरत भी होती है एग्जाम्पल्स ऑफ एंटेंसिव रीडिंग इंक्लूड्स रीडिंग टेक्स्ट बुक्स द सेकेंड टाइप ऑफ रीडिंग इज एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इट इज़ एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग हम उस रीडिंग को कहते हैं जो फ्री टाइम में की जाए यहाँ पर रीडर हैप्पीनेस जॉय और प्लेजर के लिए किसी टेक्स्ट को रीड करता है यानी कि वो खुद को एंटरटेन करने के लिए किसी टेक्स्ट को रीड करता है और वो टेक्स्ट नावल भी हो सकती है शॉर्ट स्टोरी भी हो सकती है मैगजीन भी हो सकती है और कोई और टेक्स्ट भी हो सकता है यहाँ पर आपको टाइम का भी कोई इशू नहीं होता आप जितने टाइम में चाहे उस टेक्स्ट को रीड कर सकते हैं एंड डेट्स वाई एक्सटेंसिव रीडिंग इज ऑल्सो नॉन एज रैपिड रीडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग इंक्लूड्स रीडिंग अ नावल शॉर्ट स्टोरी मैगजीन और एनी अदर टेक्स्ट द थर्ड टाइप इज स्किमिंग किसी बुक का जनरल आइडिया लेने के लिए जो रीडिंग की जाती है उसको स्किमिंग कहते हैं स्किमिंग में एक रीडर किसी भी टेक्स्ट का ओवरव्यू ले सकता है कि ये टेक्स्ट किस टॉपिक के बारे में है या फिर स्किमिंग में एक रीडर टॉपिक सेंटेंस पढ़कर बता सकता है कि बुक किस चीज़ के बारे में है यहाँ पर आप स्मॉल डिटेल्स को भी इग्नोर करते हैं और आपका फोकस मेन आइडिया पर होता है इसीलिए स्किमिंग को स्पीडी रीडिंग भी कहते हैं फॉर एक्जाम्पल वॉचिंग अवज़ पेपर जस्ट टू नो द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द डे अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड रीडिंग अ बुक जस्ट टू नो वट दिस बुक इज अबाउट द फोर टाइप ऑफ रीडिंग इज स्कैनिंग एंड इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ स्किमिंग स्कैनिंग का मतलब है टू फाइंड आउट समथिंग इस टाइप ऑफ रीडिंग में रीडर ख़ास इंफॉर्मेशन के लिए किसी टेक्स्ट को रीड करता है यहाँ पर आप हर लाइन और हर पैराग्राफ पर अपनी नज़र दौड़ाते हैं और स्मॉल डिटेल्स को भी गौर से देखते हैं ताकि किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को हासिल किया जा सके। फॉर एग्जांपल आप डिक्शनरी में किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च कर रहे हैं या फोन डायरी में एक फ़ोन नंबर को सर्च कर रहे हैं Both of these are the examples of scanning. So, this was all about today's lecture. I hope this video is helpful for you. And thank you for watching this video.